नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर देहात के CIA स्टाफ की पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 किलो 500 ग्राम हेरोइन की बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के साथ मनाई दिवाली। उनकी सेवा और समर्पण का किया सम्मान। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में दिवाली व बंदी छोड़ दिवस पर संकट हुई नतमस्तक, नहीं हुई आतिशबाजी। और अब हलचल विस्तार से। पाकिस्तान द्वारा लगातार ही भारत में नशे की बड़ी खेप भेजी जा रही है, लेकिन BSF और पंजाब पुलिस द्वारा मिलकर सर्च अभियान चलाकर पाकिस्तान की इन कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है, जिसके चलते अमृतसर देहात पुलिस की CIA टीम की ओर से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP देहात चरणजीत सिंह सोहल ने बताया कि भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक डिफेंस नहर के पास जमीन ठेके पर लेकर एक व्यक्ति खेतीबाड़ी की आड़ में पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से बड़ी मात्रा में हेरोइन मंगवाकर आगे सप्लाई करने का धंधा करता था, जिसके चलते अमृतसर देहात पुलिस के अधीन आते CIA स्टाफ की टीम ने रेड कर मौके पर उक्त व्यक्ति को काबू किया, जिसके पास से 2 किलो 500 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान गुरलाल सिंह के तौर पर हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि इसी दौरान कुछ दिन पहले थाना मजीठा के अधीन आते गांव नाकलाक में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में एक डकैती का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को एक खिलौना पिस्तौल, 512,500 रुपए की नकदी सहित काबू किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। तस्करां दे जिन्ने भी इल गॉटन मनी दे नाल जिन्ना भी इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसनु फ्रीज कराने वाली जी इन्होंने मुहिम चल रही है पुलिस की, असी उस विच काफ़ी अगे वध रहे हैं। तो हुण रीसेंटली भी असी 2 जड़े ऑर्डर हैगे है जी जी कन्फर्मेशन अथॉरिटी है दिल्ली, असी उन्होंने प्राप्त किए हैं। एक ऑर्डर दे विच जिहड़ा FIR नंबर हैगी है 4-6-1-24 जिदे विच दोषी गुरप्रीत सिंह एलियस गोपी और संदीप सिंह एलियस भुट्टी इन्हों की जी है प्रॉपर्टी जी है आइडेंटिफाई करके वो फ्रीजिंग ऑर्डर असी लाए ने। सो इन दोनों की जी प्रॉपर्टी एवैल्यूएट होके आई सी वो करीबन जी 77,16,350 के करीबन जी आई सी जी कि फ्रीज हुई है। एक दूजे केस के FIR नंबर 214/17/8/2022 की सी जिदे दोषी गुरभेज सिंह एलियस भेजा तो शमशेर सिंह एलियस शेरा इन्ह की प्रॉपर्टी जी फ्रीज करवाई गई है। इन दोनों की जी प्रॉपर्टी है वो एवैल्यूएशन जी है वो 28,22,500 रुपए के करीबन आई सी। सो यह प्रॉपर्टी जी है यह फ्रीज कराई गई है। इन दोनों केसिस दे विच कुल जी हैगी प्रॉपर्टी फ्रीज जी हुई है वह 1,05,38,700 रुपए के करीबन जी है इवैल्यूएशन की प्रॉपर्टी फ्रीज हुई है। सो इस तरीके असी फरदर भी जोड़े होर केसिस साढ़े जी अथॉरिटी को पेंडिंग ने असी उन्होंने भी परस्यू कर रहे हैं, तो जल्द ही जोड़े होर भी कमर्शियल क्वानिटी के जोड़े दोषी ने तस्कर इन्ह की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके उसनों फ्रीज करवा दिया जड़िया केसेस ने वह तैयार हो रहे हैं तो जल्दी उन्होंने भेजे भी जाएंगे। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर स्वपन शर्मा की देखरेख में दिवाली का त्यौहार रात में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ मनाकर उनकी सेवा का सम्मान किया। स्वपन शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों को मिठाई खिलाकर उनकी मेहनत की सराहना की और दिवाली को शुभकामनाएं दी। अधिकारियों को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए उनके समर्पण के लिए मिठाई भेंट की गई और दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान DC स्वपन शर्मा ने पुलिस टीम की सतर्कता और वितरित प्रतिक्रिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि त्योहारों की में उनकी भूमिका अहम होती है। कमिश्नरेट पुलिस जलंधर ने सभी पुलिस कर्मियों और नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए इस बात पर जोर दिया कि पुलिस कर्मियों का समर्पण सभी के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण दिवाली उत्सव सुनिश्चित करती है। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। दिवाली का त्यौहार सिख समुदाय द्वारा बंदी छोड़ दिवस के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।
इस पवित्र दिन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब पहुंचकर माथा टेका और पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरु कर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी दिन मीरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोविंद साहिब 52 राजाओं सहित ग्वालियर किले से रिहा होकर आए थे। उनके आगमन की खुशी में संगत ने श्री हरमंदिर साहिब में दीपमाला की। गौरतलब है कि हर साल बंदीशोर दिवस के मौके पर सचखंड श्री दरबार साहिब में खूबसूरत आतिशबाजी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार बंदीशोर दिवस और दिवाली नवंबर में पड़ने के कारण श्री अकाल तख्त साहिब और जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह ने संदेश दिया कि 1 नवंबर 1984 को दिल्ली में सिख जाति का नरसंहार हुआ था और इसके विरोध में इस बार बंदीशोर दिवस पर आतिशबाजी नहीं होगी। इस बार सिर्फ घी के दिए जलाकर बंदीशोर दिवस सजाया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम नवकिरण कौर है। किस कंट्री को आए हो? मैं कैलगरी कनाडा तो आए हैं। 15 साल मैं उत्थे सी, हुण मैं इत्थे वापस, अज मैं इत्थे दर्शन करन आए हां बंदीशोर दिवस। बंदी छोड़ दिवस बाबा जी रिहा करके लेके आए सी, जो आप आई थिंक आपके हिस्ट्री नू जाना गे फिर लोग ज्यादा जान पाएंगे कि क्यों मनाया जाता है। सतगुरु बंदी छोड़ है, जीवन मुक्त करे उड़ीना। आज का दिन बहुत महान दिन है। आज का दिन दिवाली अते बंदी छोड़ दिवस के नाम नाल जाने जाता है। जो जहांगीर ने छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी को ग्वालियर दे विच कैद कर लिया तो उत्ते 52 राजे भी नाल कैद सन। जब गुरु जी ने 52 राजियां नूं ते आप जो उन्होंने जहांगीर ने आजाद किया गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, तो उन्होंने कहा मैं 52 राजे भी नाल आजाद करा रहे हैं। जहांगीर बड़ा चलाव सी, वो कहता थोड़े चोले न पकड़ के जिन्हें जा सकते हैं तुम उन्ने लै जाओ। पता 2-4 जने जाने से, ऐसी गुरु जी सर्व कला भरपूर से, उन्होंने 52 कलिया वाला चोला दिलवाया स्पैशल। एक एक कली हरेक राजे फड़ाई, तो इस तरह 52 राजे भी बंधन तो मुक्त किया। दाता बंदी छोड़ उन्होंने नाँ पै गया। अज का दिन बंदी छोड़ दिवस के नाम जाता है। समूह संगतों को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की लख लख बधाई हो। टुटिया सुरतं जिस तरह जुड़दियाँ, सुख सुकून मिलता अंदर न, मुरदिया जिते जिंदगी मिलती, मेरा सिजदा उस हरिमंदर आज दे दिन की दिवाली की बंदी छोड़ दिवस की समूह संगतान लख लख बधाई हो। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने सड़क सुरक्षा के सुधार लाने और ट्रैफिक उल्लंघनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विशेष यातायात परिवर्तन अभियान चलाया, जिसके तहत शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष नाकाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस ने कुल 154 चलान जारी किए और बिना दस्तावेजों वाले 33 वाहन जब्त किए। तो वहीं बाजार, शॉपिंग मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष पैदल गश्त की व्यवस्था की। इस अभियान के दौरान 530 वाहनों का निरीक्षण पर यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया और युवा ड्राइवरों पर नियंत्रण और वाहन ऐप के जरिए प्रामाणिकता की जाँच की गई। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल पर 3 सवारियों को लेकर चलने वाले पर कड़ी कार्रवाई की गई और बिना अनुमति वाली बुलेट मोटरसाइकिलें जब्त की गई और कारों पर लगी काली फिल्में भी हटाई गई। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह एटीओ सरकारी एलिमेंट्री स्कूल जंडियाला गुरु में दिवाली मनाने पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिवाली और बंदीशोर दिवस के अवसर पर वे सभी देशवासियों को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। वे जंडियाला गुरु के सरकारी स्कूलों में दीप जलाने के लिए आए हैं। उनके लंबे समय से ये दिनचर्या रही है कि वे गुरुद्वारा मंदिर के साथ साथ अपने स्कूल भी जाते और दीपक जलाकर आते, क्योंकि वे इस स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त कर आज तक पहुंचे हैं। जैसे दिवाली पर हमारे घर जगमगाते हैं, हमारे गुरुद्वारे जगमाते हैं, हमारे मंदिर जगमगाते हैं, वैसे ही शिक्षा के मंदिर स्कूल भी जगमगाने चाहिए, क्योंकि जब स्कूल जगमगाएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य चमकेगा और वह अच्छे पदों पर जाकर देश की सेवा कर सकेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दिवाली के मौके देते और बंदी छोड़ दिवस के मौके के उत्ते मैं समूह साध संगत को, समूह भारत वासियों को बधाई देना कि अज का दिन साढ़े वास्ते बहुत महान दिन है। अज असी इतने सरकारी स्कूलों के
दीवा जगाउन जिहड़ा अमर जंडियाला गुरु दे विच मैं पहुंचा। हर साल मेरी लंबे समय तो एक रूटीन आ कि मैं गुरुद्वारे मंदिर दे नाल नाल मैं अपने स्कूल जिथे मैं तलीम हासिल की है उत्थे मैं जरूर दीवा जगाउना है, क्योंकि जो कुछ भी अज सारा कुछ पढ़ाई का सदका ही है, इन्हां स्कूलों का सदका ही है, इतों ही तलीम हासिल करके इतों तक पहुँचे हैं। सो जिमें साडे घर रशनाउंदे ने दिवाली वाले दिन, साडे गुरद्वारे रशनाउंदे ने, साडे मंदिर रशनाउंदे ने, इस तरह ही विद्या के मंदिर जिहड़े स्कूल ने यह भी रशनाउणे चाहिए ने, क्योंकि जदों स्कूल रशनाउणगे तो उदों साडे बच्चों का भविख जिहड़ा आ उह रोशन आएगा और वह वधिया पोजिशनां ते जाके देश की सूबे की जड़ी आ सेवा कर सकेंगे। 2010 बैच के IPS अधिकारी हरजीत सिंह ने जलंधर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DIG के रूप में चार्ज संभाल लिया। हरजीत सिंह पंजाब कैडर से जुड़े अधिकारी हैं और पिछले कुछ वर्षों से राज्य के विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। हरजीत सिंह को ये नई जिम्मेदारी IPS नवीन सिंगला के ट्रांसफर के बाद सौंपी गई है, जिनका 30 अक्टूबर दिन बुधवार को आदेश जारी कर तबादला किया गया था। DIG हरजीत सिंह के अधीन अब दुआबा के 3 प्रमुख जिले होंगे, जिनमें जलंधर देहात पुलिस क्षेत्र, कपूरथला फगवाड़ा और होशियारपुर शामिल है। हरजीत सिंह ने चार्ज संभालते कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस कार्य प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। माँ बंगला मुखी दाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जलंधर में माँ बंगला मुखी जी के साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रवि कक्कड़ से विधिवत वैदित रीति अनुसार नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। सिद्ध माँ बंगला मुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित मां भक्तों को दीपों के पावन त्यौहार दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सनातन धर्म में दीपावली पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा करने से भक्तों को आशीर्वाद और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस पर सरोज बाला, सुनीता, अंजू, गुरवीर, सोनिया, नरेश, कोमल, कमल, धर्मपाल, अमरजीत, राकेश, प्रभाकर, समीर कपूर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, नवदीप, पप्पू ठाकुर, बलदेव सिंह सहित बड़ी संख्या में भगत जन मौजूद थे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। फुटेज है। सिद्ध शक्तिपीठ विश्वमुखी श्री त्रिपुरमालिनी माँ दरबार में वार्षिक सामूहिक चौपहरे का आयोजन किया गया। चौपहरे का शुभारंभ सुबह 8 बजे गणेश वंदना से किया गया। सारा दिन पंजाब की प्रमुख भजन मंडलियों ने त्रिपुरमालिनी माँ की महिमा का गुणगान कर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस हो रहे गुणगान के दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से माँ भक्तों की सुविधा के लिए अनेक प्रकार के लंगर सुबह से लेकर शाम तक चलते रहे। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज एवं श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कैशियर पवित्र बाहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता ने ज्योति प्रज्वलित कर चौपहरे की शुरुआत की। दोपहर 12 बजे सभी भक्तों ने मिलकर 11 बार विश्व विख्यात अमर भजन लेखक बलबीर निर्दोष द्वारा रचित माँ त्रिपुरमालिनी के सिद्ध कारक और महाफलदायी 40 का संगीत में पाठ किया गया। माँ के दरबार को सुंदर फूलों, गुब्बारों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। चौपहरे में देश के हर कोने से और विदेशों से भी भक्त शामिल हुए। चौपहरे को विश्राम संकालीन आरती के बाद दिया गया। इस मौके पर मंच संचालक बलदेवानंद यादव खोसला, राजू मखीजा, रजनी मखीजा, रमन शर्मा, मुनी शर्मा, सुनील अरोड़ा, दीपक झाकी, जगमोहन सिंह खोसला, नीरज मित्तल, गुरचरण बजाज, रमेश सहदेव, सुधीर अरोड़ा, हर्ष महाजन, राजू शर्मा, कुलदीप भाटिया, इंद्रजीत सिंह राही, अश्विनी शर्मा, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला, राजू मखीजा, गायक राजकुमार सहगल सहित बड़ी संख्या में भगतजन उपस्थित रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भक्त के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
बहुत शुभ मौके पे राजा दिल महाराणी के दरबार जो छुपहरे महाराणी ने आप ही इंतजाम किया। मैं महाराणी के चरणों अरदास कर रहा कि जिन्हें भी महाराणी के सेवक महाराणी के भगत जिन्होंने महाराणी के दरबार की सेवा की है भगवती माँ सारे चढ़ती कला उन्होंने सिर से मेहर भरे हाथ रखे और इस तरह उन्होंने अपने चरणों में लाई रखे। मैं महाराणी अगर अरदास करता कि साढ़े खोसला साहब ने एक महाराणी का दरबार का बहुत मेहनत नचना करना दरबार सजाया और महाराणी इन्होंने सिर पर भी मेहर भरे हाथ रखे। मैं बलदेव गांध जी ने कहूँगा कि इन्होंने भी सम्मानित करें और इस तरह के महाराणी के सपुत्र होर घर घर पैदा हो जो महाराणी के इस तरह अपने साथ सजा। जय माता मेरा दिल करता
साल की तरह इस साल भी भगवान विश्वकर्मा दिवस के मौके पर विश्वकर्मा मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की ओर से 40वां समागम विश्वकर्मा भवन फोकल पॉइंट जलंधर में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, जे एम पी ग्रुप के बलराम कपूर, उद्योगपति अश्विनी विक्टर, फोकल पॉइंट एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र सिंह सग्गू, महेश मखीजा, हैप्पी स्टीलमैन, उद्योगपति संजीव ढींगरा टिंकू, नवीन शर्मा, भूपिंदर कालड़ा, नितिन कपूर, तेजेंद्र भसीन, नरेंद्र सिंह भार्ज, गुरशरण सिंह, वरिंदर महेंद्रो, संजीव जनेजा, प्रशांत गंभीर, सुनील शर्मा, कवरजीत सिंह दीमान ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दिवस में मैनेजमेंट कमेटी की ओर से रखे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए। समागम में कर पहले करवाए गए हवन यज्ञ में कमेटी के सदस्यों ने आहूतियां डाली। समारोह में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा वैसे ही करें जैसे हम भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी की करते हैं। भगवान विश्वकर्मा में तीनों देवों की शक्ति है। इस दौरान आए हुए कलाकारों ने भगवान विश्वकर्मा जी के भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को झूमने पर विवश किया, जिसके बाद गीत संगीत, कवि दरबार और सभ्याचारक कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन सुखदेव राज, प्रधान मोहन सिंह जीता, जनरल सेक्रेटरी जसविंदर सिंह नाकी, मीत प्रधान राजकरण सिंह मरवाहा, महासचिव जसवीर सिंह जुतला, वित्तीय सचिव गुरजीत सिंह मरवाहा, सलाहकार बलबीर सिंह मठारू, कुलजीत सिंह जेता, कन्वीनर कुलबीर सिंह मरवाहा, कानूनी सलाहकार अमनबीर सिंह मरवाहा, मंच संचालक कवि रिशपाल सिंह पाल सहित बड़ी संख्या में गण्यमान्य लोग शामिल थे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
छोड़ थी। अज भगवान विश्वकर्मा जी महाराज के खास दिन के उत्ते फोकल पॉइंट भवन विखे अज मंदिर विखे उन्हों का जोड़ा आगमन दिहाड़ा हर साल की तरह मनाया जा रहा। सारे इंडस्ट्री के जोड़े वीर है उन्हों वालों एकजुट हो के बहुत अच्छा उपरला किया जा रहा। लंगर भंडारिया का आयोजन है, लोड़मंद गरीब परिवारों के लिए राशन वितरण का भी प्रबंध किया। सो मैं भगवान विश्वकर्मा जी महाराज उन्हां दे चरणों च अरदास करदा कि साडी इंडस्ट्री हमेशा वधे फुले तरक्की च रहे ताकि परिवारों नूं रोज़गार मिलता रहे, साडे जलंधर दा साडे पंजाब दा जिहड़ा नाम है वह अगे वधदा रहे। इस गल की मंगल कामना करदा होया अपने वलों अपने परिवार वलों सारियां नूं विश्वकर्मा जी दे महाराज दे अज दे दिन दे उत्ते बहुत बहुत वधाई जी। किरती दे देवता और विश्वकर्मा जी का प्रकाश दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा और भाव के नाल फोकल पॉइंट विखे मनाया जा रहा है। मैं सारी प्रबंधकी कमेटी को बहुत ही बधाई दूंगा कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट करके अज संगत और पंगत का आयोजन किया है। महाराज सब ते कृपा करन, साडे पंजाब की इंडस्ट्री में तरक्की होवे और विशेष तौर पर जिंदर की जिहड़ी इंडस्ट्री है उन महाराज होर ताकत देवे ता जो साडा पंजाब सूबा नंबर एक बने, साडा देश परम वैभव ते पहुंचे। उहदे सारे ने गल की असीं अज मंगल कामना की है। मैं प्रबंधकी कमेटी का विशेष तौर पर धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने बहुत ही इत्थे भव्य मंदिर बना के सानू सारिआं नूं प्रभु का आशीर्वाद मिलता वै। भगवान की कृपा इन्हां सारिआं ते बनी रहे ऐसी महाराज के मैं आराधना करता। मैं और सानू प्रबंधकी कमेटी ने बुलाया वै, इन्हां दा हाथ जोड़ के धन्यवाद करता। मैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। ये मैनेजमेंट कमेटी ने जिहड़ा अज राशन वितरण समारोह किया ये बहुत ही वधिया काम किया और मैं देखदा वां कि किस तरीके दे नाल अज जिन्ने भी इस मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर साहबान ने साडे सारे ही वड्डे वड्डे इंडस्ट्रीज इत्थे बैठे है और बाबा जी का इन्हां दे उपर पूरा आशीर्वाद। और अज जे जलंधर दे विच यही इंडस्ट्रीज जलंधर का नाँ साडे पंजाब का नाँ साडे हिंदुस्तान का नाँ उच्चा करते हैं और जिस इमानदारी दे नाल जिस इंसानियत दे नाल एक किरत करते और अपनी लेबर नूं पूरा हक देंदे है एक वाकई काबले तारीफ है। तो मैं उस परमपिता परमात्मा के चरणों दे विच यही अरदास करदा कि बाबा जी साडे सारे उपर इस तरह आशीर्वाद रखन, असी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहिए और साडे जलंधर का तुसीं सारे जिन्हें भी वड्डे वड्डे इंडस्ट्रीज बैठे हो माण है और जिथे किधरे भी समाजिक तौर पर जलंधर वासी नूं लोड़ पैंदी है तुसीं हमेशा ही मोढ़े नाल मोढ़ा ला के काम करदे हो। जे मैडिकल कैंप लाना पैंदा गरीबां दी मैडिकल एड देनी पैंदी है तो तुसीं वध चढ़ के देंदे हो, जे राशन की लोड़ पैंदी है तो तुसीं अगे वध के चलदे हो। सो मैं तहे दिलों अपने वालों तुहाडा भी और उस परमपिता परमात्मा के चरणों के फिर एक बार यही अरदास करदा कि असीं वधदे फुलदे रहिए। श्री सनातन धर्म राम मंदिर मोहल्ला नवंबर 17 जलंधर कैंट में अन्नकूट पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा राजू ने आए हुए मुख्य यजमान मंदिर के कैमरामैन हरविंदर सिंह पप्पू सहित अन्य यजमानों से विधिवत पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू ने जन्म दिवस के अवसर पर केक काटकर खुशी भी मनाई तो वहीं हरविंदर सिंह पप्पू ने आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद प्रकट किया। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान कमल चौहान, सुनील चौहान, राजेश चौहान, ख्वाहिश चौहान, नारायण शर्मा, प्रभु दयाल, विक्की जिंदल, लक्ष्य सोडी, मोहित अनु शर्मा, अभिवन सूरज, अंकुश हेजल भी उपस्थित रहे। जलंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट।
ਖੋਸਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਆਨਗੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਰਸੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਗਰਮ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਰਤਿਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਬਹਾ 5 ਵਜੇ ਹਮਾਰੇ ਮੰਦਰ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੀ ਕੋ ਮਹੱਤਵ ਕੇ ਲੀਏ ਅੰਗੁੱਠ ਵੀ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ जिनका हरियाणवी पार्टी है, हम इनको शीला देंगे जिये हजारों साल। ये है मेरी आज रविंद्र सिंह पप्पू जी, लाख लाख बधाई, लाख लाख बधाई हो। आने वाला टाइम इन ऊंचाइयों को सुने, ये ऊंचाइयों को सुने, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो कि अज साढ़े श्री सनातन धर्मनामा मंदिर के अंदर हर साल की तरह इस साल भी जो कि अंक का प्रोग्राम जो कि हर साल इतने होता है, और अज मैं बहुत खुशी है कि अज के मौके के उपर अंकुट भी है और जन्मदिन भी है। वो भी मैं सारे अपने वालों जो मैंने इन्होंने सारे ने आशीर्वाद दिता, इन्हों का धन्यवाद करता। और इसे अग्रवाल जी, साढ़े विक्की जी, प्रभु दयाल जी, कैशियर शोक कुमार गुप्ता जी, लाल चंद जी, राजकुमार राजू पंडित जी साढ़े, और अनु साढ़े भाभी जी, विजय पपलू जो कि साढ़े वे भरा सी, उन्होंने सिस्टर भी अच उन्होंने भी बड़ी याद आती है कि पुराने असं सारे जो मित्र से। अज मैं बहुत इस गल का मान भी है और आशीर्वाद भी भगवान जी ने दिता, बड़ी खुशी है मैं कि अज के दिन के उपर जो साढ़े कमल चौहान जी, प्रभु दयाल जी, मधवा जी और विक्की जिंदल जी जो कि मांगे तेरी पिंड प्रधान है और इन्होंने सारी टीम ने इतने आके आशीर्वाद दिता। इसी तरह मां सिंहपुरनी सारे देव देव के साथ सारे जो कि टीम है रामा मंदिर की उत्ते मेहर बने हाथ रखन, इसी तरह अं सारे की सेवा करते रहिए। मोहित जी साढ़े जो कि सारे कैमरिया का इंतजाम, सूरज जी साढ़ा जो कि इतने है साढ़े सारे जड़े भरा भैन बधाई है, उन्होंने मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। इसी तरह आशीर्वाद बढ़ते रखा, मेहर भरे हाथ रखा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। सिद्धि शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर सरोवर तटवासनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुरमालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुरमालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात गौरव चतुर्थ एंड पार्टी ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की इस चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पश्चिम कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, द्विंदर प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं तेरे मन से तो मेरे दिल में आज भी बाबा मैं क्या करूं।
लम्मा पिंड चौक जलंधर में श्री शनिदेव महाराज जी के साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमानों से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई, जिसके पश्चात स्थित मां बखलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने संतों की महिमा बताते हुए कहा कि अगर संत तुम्हारे नगर में आए तो ये किसी उपहार से कम नहीं, क्योंकि संत आते हैं तो वसंत अवश्य आता है। इस अवसर पर राकेश बरभाकर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, नवदीप उदय, अजीत कुमार, नवीन, प्रदीप, सुधीर, सुमित, जोगिंदर, मनीष, अमनदीप, सौरभ, नरेश और मनीष सहित बड़ी संख्या में भगत जन मौजूद थे। हवनिया के उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया गया।
पूर्व पार्षद प्रदीप सिंह राय अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। स्वर्गीय प्रदीप सिंह राय का अंतिम भोग और अरदास जलंधर के गुरुद्वारा शहीद बाबूलाल सिंह नगर गुलाब देवी रोड पर की गई। इस आयोजन में श्रद्धा और समर्पण का भाव स्पष्ट दिखाई दिया। गुरुद्वारा साहिब में रागी जत्थों ने विरागमय कीर्तन प्रस्तुत किया, जिसमें समूचे वातावरण में आध्यात्मिकता और शक्ति का एहसास हुआ। पश्चात प्रदीप सिंह राय की आत्मिक शांति के लिए अंतिम अरदास की गई। इसके श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मेयर जगदीश राजा, पूर्व विधायक रजेंद्र बेरी, समाज सेवी अतुल भगत और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी देवेंद्र कौर, बेटे नवदीप सिंह राय और लवप्रीत सिंह, बेटी नवजोत कौर और साहित्य, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने उपस्थित होकर दिव्यंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने सड़क सुरक्षा के सुधार लाने और ट्रैफिक उल्लंघनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विशेष यातायात परिवर्तन अभियान चलाया, जिसके तहत शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष नाकाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस ने कुल 154 चलान जारी किए और बिना दस्तावेजों वाले 33 वाहन जब्त किए, तो वही बाजार, शॉपिंग मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष पैदल गश्त की व्यवस्था की। इस अभियान के दौरान 530 वाहनों का निरीक्षण पर यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया और युवा ड्राइवरों पर नियंत्रण और वाहन ऐप के जरिए प्रामाणिकता की जाँच की गई। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल पर 3 सवारियों को लेकर चलने वाले पर कड़ी कार्रवाई की गई और बिना अनुमति वाली बुलेट मोटरसाइकिलें जब्त की गई और कारों पर लगी काली फिल्में भी हटाई गई। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी सारे साडे साबका काउंसलर दीप राय जी ने अंतिम समागम च बैठे। मैं उन्होंने हमेशा ही वीर जी कह के संबोधन किया, वड्डे भरा कह के संबोधन किया। मैं बटाला तो कांग्रेस का प्रेजिडेंट, डॉक्टर प्रदीप राय जी के अंतिम अरदास आए ने बंदे समाज तो आए ने, उन्हों का प्यार जाहिर करता कि वह एक इन्ने अच्छे इंसान से। उन्होंने समाज की भी सेवा की, राजनीतिक रूप से भी सारी सेवा की, तो साडे परिवार नाल मैनू उन्होंने बड़े नज़दीकी हो के जानने का मौका मिलया, बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलया। बड़े ही उन्होंने आवाज़ में मिठास सी, बड़े ही चंगे तरीके गल करते, बहुत ही उन्होंने पिछले 2 साल बीमारी नाल जदोजहद की, तो उन्होंने बेटे ने बड़ा साथ दिता, बाहर से उन्होंने बेटा पूरे परिवार ने साथ दिता। तो इदा दिन रूह जो चल जा ने समाज में ना पूरा होने वाला घाटा होंगे है। बस आप यही अरदास कर सकते हैं कि परिवार को पूरी शक्ति परमात्मा दे इस विछोड़े का भाणा मनन का, तो नाल ही कि परिवार जोड़ा है इतना ही आने वाले टाइम से समाज की सेवा करे। मैं ही अरदास कराँगा, तो सारे का मैं धन्यवाद करता हाँ कि तुम सारे आए। तो ओम शांति सतनाम वाहेगुरु। और अब तक में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर देहात के CIA स्टाफ की पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 किलो 500 ग्राम हेरोइन की बरामद।
जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के साथ मनाई दिवाली, उनकी सेवा और समर्पण का किया सम्मान। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में दिवाली व बंदी छोड़ दिवस पर संकट हुई नतमस्तक, नहीं हुई आतिशबाजी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती है और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।